नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं करिश्मा सिंह। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उनके साथ कुछ न कुछ उल्टा होते ही रहता है। दरअसल खेसारी लाल यादव प्रयागराज में शादी कर रहे हैं और उनकी दुल्हन मंडप छोड़कर भाग जाती है, जिसके बाद वहाँ कोहराम मच जाता है। वहाँ मौजूद लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर दुल्हन शादी का मंडप छोड़ के क्यों भाग जाती है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार में बताते हैं। खेसारी लाल यादव के साथ इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किसी न किसी तरह से उनके साथ कुछ न कुछ उल्टा हो ही जाता है। अब खबर है कि प्रयागराज में वे शादी कर रहे थे, लेकिन शादी के बीच से ही उनकी दुल्हन श्रुति राव मंडप छोड़कर भाग गई। इसके बाद वहां कोहराम मच गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर श्रुति राव शादी के बीच मंडप से क्यों भाग गई। दरअसल ये पूरा मामला खेसारी लाल यादव के रियल लाइफ का नहीं है, बल्कि प्रदीप शर्मा के अपकमिंग भोजपुरी फिल्म आशिकी के सेट का है, जहां खेसारी लाल यादव और श्रुति राव के ऊपर मैरिज सीक्वेंस फिल्माया जा रहा था। इस दौरान निर्माता प्रदीप शर्मा के निर्देशक प्रयाग पाटिल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि श्रुति राव इस फिल्म के सेकंड लीड है, जबकि इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के अपोजिट मुख्य भूमिका में अम्रपाली दुबे है। मतलब जैसे जैसे फिल्म की शूट आगे बढ़ रही है, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म ट्रायंगल लव स्टोरी होने वाली है और यह दर्शकों के फिल्म के प्रति उत्साह पैदा करने वाली है। बहरहाल खेसारी लाल यादव, अम्रपाली दुबे और श्रुति राव की ट्रायंगल लव स्टोरी का जलवा दर्शकों पर कितना चलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बाबा मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म आशिकी भोजपुरी बॉक्स पर बेतुहल पैदा कर रहा दिया है। इस फिल्म की निर्माता अनीता शर्मा और पीआरओ रंजन सिन्हा है। बता दें कि इससे पहले खेसारी ने होली से जुड़ा किस्सा अपनी फिल्म के सेट मीडिया से साझा किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे वो बचपन में अपनी भाभियों के बीच फंस गए थे। खेसारी लाल यादव ने कहा था कि जब वे छोटे थे, ये घटना तब की है, उन दिनों वे रबड़ की पैंट पहनते थे, उन दिनों होली का उत्साह चरम पर होता था। उन्होंने आगे बताया कि गांव जवार में देवर भाभी की होली बेहद खास होती थी। उन्हीं दिनों जब खेसारी लाल यादव होली में रंग लगाने अपने भाभी के पास गए, तो उनका पाला तीन तीन भाभियों से पड़ा। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि उनकी उस दिन की दुर्दशा हो गई थी, उनके रबड़ वाले पैंट फट गए थे। खेसारी लाल यादव बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने कभी रबड़ की पैंट नहीं पहनी। मालूम हो कि खेसारी लाल यादव अपनी फिल्म के साथ साथ निजी जिंदगी में के लिए भी चर्चे में रहते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ही खेसारी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ वही हो रहा है जो बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। हालांकि वो कमजोर नहीं है और सुसाइड जैसा कदम नहीं उठाएंगे। खेसारी लाल यादव प्रयागराज में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान खेसारी लाल यादव की शादी श्रुति राव से होती है, लेकिन बीच मंडप में ही श्रुति राव खेसारी लाल यादव को छोड़कर भाग जाती है और दर्शक देखते ही रह जाते हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।